नमस्कार दोस्तों, ललिता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज फिर आई हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैंने बनाई है कस्टर्ड आइसक्रीम, और जो बहुत ही क्रीमी बनी है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने 500 ग्राम फुल क्रीम दूध लिया है। आप उबला हुआ भी ले सकते हैं और कच्चा भी ले सकते हैं। और इसे अब हमें उबालना ही है। और अभी एक बाउल ले लिया मैंने, इसमें मैंने 3 चम्मच भर के वनीला एसेंस का कस्टर्ड पाउडर लिया है। और इसे हम नॉर्मल दूध से घोल लेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे हम बहुत ही अच्छे से घोल लेंगे, और दूध गर्म नहीं होना चाहिए वरना अच्छे से नहीं घुलेगा। और देखिए, दूध में हमारे अभी उबाल आने वाला है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दी है 3 टेबल स्पून भर के चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी हमारी घुल गई है, और देखिए दूध में उबाल भी आ गया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपना कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को हमें थोड़ा जल्दी मिलाना है, नहीं तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और इसे हमें घुलने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। और देखिए, कस्टर्ड पाउडर हमारा घुल गया है। और फ्रेंड्स, इसे हम लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे, और उबाल आने के बाद इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, कस्टर्ड पाउडर को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कस्टर्ड पाउडर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, कस्टर्ड पाउडर हमारा ठंडा हो गया है। तो अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे, और जार में कस्टर्ड पाउडर को डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना कि कस्टर्ड पाउडर हमारा ठंडा ही होना चाहिए। और अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के मैं मलाई डाल रही हूँ। ये फ्रेश मलाई है, आप 1-2 दिन पुरानी मलाई भी डाल सकते हैं, मगर वो फ्रीजर के अंदर रखी हुई होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी मलाई मत डालना, वरना आइसक्रीम का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और जितनी आप मलाई डालेंगे उतनी ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनेगी। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लड्डू कलर, थोड़ा सा येलो कलर डाला है अच्छा कलर आने के लिए। और इसे चर्न कर लिया है। और अब एक मैंने प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया, और इसे डाल देंगे इसके अंदर। और इस बैटर को डालने के बाद हमें फ्रीजर में रखना है 2 से 3 घंटे के लिए, और एक सिल्वर फॉइल से इसे अच्छे से रैप कर देंगे। और अब डब्बे का ढक्कन लगाकर इसे फ्रीजर के अंदर रख देंगे। और देखिए, फ्रीजर में रखे हुए आइसक्रीम को 2 से 3 घंटे हो गए थे, मैंने इस बॉक्स को निकाल लिया। और एक बार आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं जमाना था, बहुत ज़्यादा चिल्ड करना था, इसको थोड़ी सी जम जाए। और देखिए, बस हमें इसे इतना ही जमाना था। और इसे हम वापस मिक्सी के जार में डाल लेंगे, और दोबारा इसे चर्न कर लेंगे। और इसे ना लगातार नहीं चलाएंगे, मिक्सी को रोकेंगे और चलाएंगे। और देखिए, हल्के हल्के झाग आ गए ना ऊपर, तो हमारी आइसक्रीम ही रेडी हो गई है। और अब मैंने उसी बॉक्स को साफ़ करके उसमें थोड़ी सी चेरी डाल दी है। और अब एक स्पून की हेल्प से हम इसके अंदर बैटर को डालेंगे। देखिए, डायरेक्ट डब्बे के अंदर ही डालना, स्पून के ऊपर डालते हुए हम इसके अंदर इस बैटर को डाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, पूरा बैटर मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया, और थोड़ी सी चेरी मैंने ऊपर से भी डाल दी है, इसको टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं। और हल्का सा डब्बे को मैंने टैप कर दिया है ताकि अच्छे से आइसक्रीम सेट हो जाए। और दोबारा से इसको सिल्वर फॉइल से हम ढक देंगे अच्छे से, और ढक्कन लगाकर इसको फ्रीजर के अंदर रख देंगे। और फ्रेंड्स, आप एक बात का और ध्यान रखना कि अपने फ्रीजर को पहले से डीप क्लोज कर लेना, ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम जाए। और देखिए, आइसक्रीम हमारी जम गई है। मैंने पूरी रात के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था, मतलब फ्रीजर के अंदर रख दिया था। और अब इसको मैंने एक ट्रे ले ली है, इसमें निकाल लेंगे। और निकालने से पहले जो हमारा आइसक्रीम का बॉक्स था ना, उसे मैंने थोड़ी देर के लिए थोड़े से पानी में रखा था, ताकि आइसक्रीम हमारी डिमोल्ड हो जाए। और थोड़ा सा टैप करेंगे, और देखिए वाओ, कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको आइसक्रीम मतलब दिन में जमानी है, तो आपको 6 से 7 घंटे तो उसको रखना ही पड़ेगा। और देखिए, मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ, बहुत ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है, और बहुत ही आराम से इसके स्लाइस कट रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी है। और एक मैं ट्रिक आपको और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपकी आइसक्रीम में थोड़ा मीठा हल्का हो जाए ना, जैसे मेरे घर में हुआ है, मेरे साथ इस आइसक्रीम को जब मैंने खिलाया तो थोड़ा मीठा हल्का लगा इसमें। तो मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून मैंने ले ली है, मतलब 1 कड़छी नहीं, 1 कड़छी मैंने भर के चीनी ले ली है। और उसी कड़छी से मैं इसके अंदर आधा कड़छी पानी डाल रही हूँ। और इसके हमें एक चाशनी बनानी है, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे, बस चिकनी हो हमारी दोनों उंगलियों पर लगने के बाद, चिपचिपी चाशनी बनाएंगे। और अभी चीनी को घुलने देंगे।
और देखिए चीनी हमारी ये घुल गई है, तो इसे हम उंगली से चेक कर लेंगे एक बार। और इसे मैंने दोनों उंगलियों के बीच में लगा के देखा तो देखिए कोई तार नहीं बन रहा, सिर्फ चिकनापन आ रहा है। तो हमारी चाशनी तैयार है और इसे ठंडा कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स एक बार और दिखाती हूँ कितनी क्रीमी और बहुत ही अच्छी हमारी आइसक्रीम बनी है। बहुत आराम से इसके स्लाइस कट रहे हैं, बिल्कुल मार्केट की ऐसी आइसक्रीम लग रही है। और देखिए हमारी चाशनी भी ठंडी हो गई है और मैंने एक स्लाइस इसका आइसक्रीम का प्लेट के अंदर रख लिया। और इसके ऊपर एक चम्मच चाशनी डाल देंगे। और जब चाशनी डालने के बाद ये आइसक्रीम खाई ना तो और भी इसका टेस्ट बढ़ गया। और चाशनी को ना फ्रेंड्स मैंने फ्रिज के अंदर रखकर ठंडा कर लिया, क्योंकि ठंडा ठंडी आइसक्रीम है, ठंडी ठंडी ये डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी। और देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी आइसक्रीम बहुत पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स बस आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि जब हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाए तभी उसके अंदर मलाई डालना, और फ्रीज़र को पहले से ही अपना खाली कर लेना ताकि अच्छे से आइसक्रीम जम जाए। और अगर आप दिन में आइसक्रीम जमाएंगे तो 6 से 7 घंटे लगेंगे, और नहीं तो आप रात को भी जमा कर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।